हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस रेसिपी से आप और दो तीन रेसिपी बना सकते हैं। और वो रेसिपी है डोसा बैटर या इडली बैटर। बैटर हम यूजुअली मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कि कितनी आसानी से आप बैटर को घर में भी बना सकते हैं। बैटर को बनाते समय आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेशियो, कि आपको दाल कितनी लेनी है और आपको राइस कितना लेना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखिए, इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप राइस लिए हैं। ये डोसा राइस है, आप जो राइस खाना पसंद करते हैं आप वो राइस भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ली है। मैंने यहाँ पर होल उड़द की दाल ली है, आप चाहे तो स्प्लिटेड उड़द की दाल भी ले सकते हैं। आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे और यहाँ पर आपको ऐड करना है 2 टीस्पून मेथी दाना, 1 और 2। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। 3 से 4 बार आप इसको वॉश कर लें। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने राइस लिए हैं वो यूजुअली मार्केट में डोसा राइस के नाम से इजीली अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज आप कोई भी पारबॉइल्ड राइस यूज कर सकते हैं यहाँ पर डोसा मिक्सचर बनाने के लिए। ये देखिए, हमने इसको वॉश करके यहाँ पर अब मैं इसको सोक करने के लिए रखूंगी 5 से 6 घंटे। हमें 5 से 6 घंटे से ज्यादा इसको सोक नहीं करना है। तो चलिए हम एक बार, हमने जो अपनी दाल और राइस को सोक किया था उसको देख लेते हैं। 5 से 6 घंटे हो गए हैं और हमारी दाल और राइस अच्छे से सोक हो गई है। ये देखिए, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जब आप इसको ग्राइंड करें तो आपको ध्यान देना है कि आप इसको नॉर्मल पानी से ग्राइंड ना करें। नॉर्मल पानी का इसमें बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है, आपको चिल्ड वाटर यूज करना है। उसका रीजन ये है कि जब आप इसको राइस को और दाल को ग्राइंड करते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है और वो अपना एक हीट जनरेट करने लगता है, उससे हमारा जो राइस है वो अच्छे से पिसेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर ये चिल्ड वाटर यूज करूंगी। अभी मेरे पास चिल्ड वाटर नहीं था तो मैंने अभी यहाँ पर इसमें आइस क्यूब्स डाल दी है। अभी मैं इसके आइस क्यूब्स को निकाल दूंगी और इस ठंडे पानी को ही यूज करूंगी ग्राइंड करने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ग्राइंड करने के लिए इसमें दाल और राइस डालेंगे, आपको एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है। अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि आपके जो राइस और दाल है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे, उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा और वो ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। आप बीच बीच में इसको स्पून की हेल्प से चला सकते हैं। अगर आपका जो ग्राइंडर है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो आप इसको थोड़े थोड़े बैचेस में ग्राइंड करिए। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी, चिल्ड वाटर। वाटर आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, एक साथ बहुत ज्यादा वाटर ऐड नहीं करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा टेस्ट बना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी और डालेंगे, हार्डली 2 टीस्पून, और हम इसको मिक्स करके एक बार फिर से जार को, फिर से मिक्सर को चला देंगे। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी है। इसी तरह आपको सारा बैटर प्रिपेयर कर लेना है। ये हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1.5 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपको इसको क्लीन हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको हाथों से ही मिक्स करें क्योंकि हाथों की जो गर्मी है उससे इसको फर्मेंट होने में आसानी होगी, और फर्मेंट होने के लिए हम इसको
10 से 12 घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पर रख देंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर मौसम ठंडा है तो आप इसको 15 से 16 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दें। जितना आपका बैटर है आपको उससे डबल साइज का बर्तन यूज करना है जिसमें आप बैटर रखेंगे फर्मेंट होने के लिए, क्योंकि जब बैटर फर्मेंट होगा तो ये बैटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा बैटर फर्मेंट हो चुका है अच्छे से, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं आपको इससे एक प्लेन डोसा बनाकर दिखाती हूँ। यूजुअली मैं डोसा बैटर को नेचुरल प्रोसेस से फर्मेंट होकर ही यूज करना पसंद करती हूँ। मैं इसमें कोई भी यीस्ट या बेकिंग सोडा को ऐड नहीं करती हूँ फर्मेंट करने के लिए। अगर आपने बैटर को अच्छे से फर्मेंट होने के लिए टाइम दिया है तो बैटर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है ईस्ट या बेकिंग सोडा की। वो नेचुरली इतना अच्छा फर्मेंट होता है कि आपका डोसा बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर आप इस बैटर को इंस्टेंटली यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आप इसको 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। 3 से 4 दिन तक ये बैटर बिल्कुल ठीक रहेगा। मार्केट से जो आप बैटर लाते हैं वो आप 1 वीक और 2 वीक्स तक आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, बट उस बैटर में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। चलिए मैं अब आपको एक प्लेन डोसा बना के दिखाती हूँ इस बैटर से कि हमारा बैटर कितना अच्छा बना है और कितना क्रिस्पी इससे डोसा बनेगा। ये देखिए हमारा डोसा कितना क्रिस्पी बना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए।